Hello everyone, you are watching Easy to Learn English Spoken Channel and today you will learn about reading. आज हम IELTS की reading की बात करेंगे. IELTS की reading में दो point हम पहले ही discuss कर चुके हैं, headings और दूसरा filling the blanks. आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे yes, no, not given या फिर true, false और not given. कोई खास फर्क नहीं है, yes को ही हम true बोलते हैं और no को हम false बोलते हैं. तो बस ये ध्यान में रखना होता है, जिस सेंस में हमसे पूछा गया उसी सेंस में हम आंसर करेंगे. अब यस या ट्रू का मीनिंग क्या होता है? इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, अगर आपकी स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन के साथ अग्री करती है, मतलब वही लोकेशन में आपको मिलता है जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सो वो यस या ट्रू हो जाता है. इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोजिट, जो भी मान लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मीन्स वो अपोजिट जा रही है, सो उस कंडीशन में या तो नो होगा या फिर फॉल्स होगा, जैसा पूछा गया उसके अकॉर्डिंग रहेगा. नॉट गिवन का मतलब होता है इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस इन द पैसेज, अगर उस पैसेज में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो क्वेश्चन में पूछी गई है तो वो आपका नॉट गिवन होगा. अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा इजी होगा आपके लिए समझना. मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि सुनील वॉज टीचर, मैंने बोला सुनील वॉज टीचर, ये क्वेश्चन है. अब क्या कि हम लोकेशन में ढूंढने के लिए गए और हमने लोकेशन में देखा कि वहां लिखा हुआ था सुनील वॉज अ टीचर, ही पोस्टेड इन दिल्ली, सो इसका मतलब है हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज हमें मिल गया है, तो हम उसको या तो यस या फिर ट्रू मार्क करेंगे. बट अगर मैं बात करूं यहां पे इन्फॉर्मेशन जो है हमें पैसेज में मिलती है सुनील वॉज अ थिप हु रॉब्ड विद द हेल्प ऑफ नाइफ एंड गन, सो अगर इस तरीके से मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं वो अपोजिट हो गया, क्योंकि आपकी क्वेश्चन की जो लाइन है वो बोल रही थी वो टीचर है और वहां बताया जा रहा वो चोर था, तो इस कंडीशन में आप उसको नो या फिर फॉल्स करते हैं. नॉट गिवन कब होगा? जब मान लीजिए हम सुनील की बात कर रहे हैं तो हम पैसेज में जब पढ़ने के लिए गए क्वेश्चन को तो हमें वहां पे सिर्फ सुनील मिला, बट सुनील का जो प्रोफेशन है ऑक्यूपेशन है कहीं पर भी नहीं मिलता है, तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है नॉट गिवन. सो आई होप समझ में आया होगा आपको. अगर मान लीजिए क्वेश्चन है सुनील वॉज अ टीचर, उधर मिल गया, या सुनील वॉज अ टीचर ही वॉज पोस्टेड इन दिल्ली, तो वो यस हो जाता है या ट्रू हो जाता है. अगर वहां मिलता है सुनील वॉज अ थिप तो उस कंडीशन में वो नो फॉल्स हो जाता है, और अगर वहां खाली सुनील के बारे में बात है उसके प्रोफेशन ऑक्यूपेशन के बारे में बात नहीं है तो वो आपका हो जाता है नॉट गिवन. सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम चलो हम क्वेश्चन को करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ईजी समझ में आए कि कैसे इसको ढूंढना है. अब जैसे अगर मैं बात करूं पहले वाले क्वेश्चन, देखिए अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किया था, सो उस कंडीशन में आपने इस पैसेज को पहले भी पढ़ा है तो दोबारा आज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आपके लिए वैसे भी इजी ही रहने वाला है. सो यहां पे वन ऑफ द मिथ गिव्स अ रिलेशन ऑफ द फर्स्ट गेम विद ओलंपिक ट्रस्ट, मिथ की बात कर रहा है कि एक मिथ है वो रिलेशन बताती है फर्स्ट गेम है जो ओलंपिक ट्रस्ट के साथ उसके साथ. अब क्या कि अगर हमें एज इट इज मिलती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ये यस है. देखो यहां पे यस पूछा गया इसलिए हम ट्रू या फिर फॉल्स नहीं कर सकते, यस है तो यस ही करेंगे. दूसरी बात ध्यान में रखना, यहां पे यस लिखा है तो आप यस ही लिखेंगे, खाली वाई नहीं लिखेंगे. नो लिखा तो नो ही लिखेंगे, खाली एन आप अपनी आंसर शीट पे नहीं लिखेंगे. मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि यहां यस है तो यस ही लिखना है, नो है तो नो लिखना है, नॉट गिवन है तो नॉट गिवन ही आपको ये लिखना है. सो चलिए पहले क्वेश्चन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसकी लोकेशन हमें कहां मिलती है. सो लोकेशन के अकॉर्डिंग फिर हम इसकी बात करने वाले. तो हमारा क्वेश्चन है 7 और इसमें मिथ की बात की गई है, तो देखते हैं इसमें मिथ कहां हमें मिलती है. अगर आपने पैसेज पहले भी पढ़ा है तो हमें पता है कि मिथ की बात जो है ना यहां इसके आसपास की गई थी, क्योंकि हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में किया था तो वहां हमने देखा था. यहां पर देयर आर मैनी मिथ्स, मतलब बहुत सी मिथ्स हैं, तो इसमें हमें ये देखना कि उसका जो रिलेशन बताया गया है कि क्या वो ओलंपिक ट्रस्ट के साथ है, वो चीज हमें इसमें फाइंड आउट करनी है. ओलंपिक ट्रस्ट के साथ रिलेशन की बात हुई है. ओके
ये लिखा अनदर मिथ एसोसिएट्स, वही है एसोसिएटेड रिलेशन की बात हो रही है। द फर्स्ट गेम विद एंशियंट ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस ओलंपिक, इसका मतलब ये एज इट इज मिल रहा है यहाँ पे। सो एज इट इज अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होगा हम उसको मार्क कर देंगे यहाँ पे यस। कोशिश कीजिएगा जब अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखें आप सभी लेटर को कैपिटल लिखें, ताकि आप जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में भर रहे हैं तो यहाँ तो स्मॉल लेटर आएगा, हो सकता है आप इसमें भरे तब आप स्मॉल कर दे तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए रहेगी। तो इसलिए सभी कैपिटल आंसर्स लिखेंगे, मीन्स आप सभी लेटर्स को कैपिटल में अगर अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे फाइनल पे तो ये अच्छा होगा। तो उसकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही कर लेना तो आपके लिए फायदेमंद वो रहने वाला है, फिर कोई स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर का आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लेटर जो है स्टार्टिंग का वो कैपिटल होता है बट आप स्मॉल लिख के आ जाते हैं तो वहां पे मार्क आपका कट जाता है, मीन्स आपको बैंड फिर कम मिलते हैं, आपका स्कोर कम हो पाता है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ओलंपिक गेम्स डिड नॉट हैव रिलीजियस इम्पोर्टेंस, ये बता रहा है कि ओलंपिक गेम्स जो है उनकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हम लोकेशन में जाएंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सच में ऐसा है या फिर नहीं। हमने रिलीजियस भी कहीं पढ़ा था, देखते हैं। स्टार्टिंग वाले से स्टार्ट कर सकते हो सकता है स्टार्ट वाले पे हमें मिले ये। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आपको लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको अपने कीवर्ड्स पे ध्यान देना। जैसे मैं पहले वाले बता चुका हूं वीडियो में, फिर भी दोबारा बता रहा हूं, इसमें कीवर्ड्स हमारा है रिलीजियस इंपोर्टेंस, तो हमें इसको ढूंढना है, हमें ये कहां मिलेगा, ये हमारा कीवर्ड है। मिल जाएगा जल्दी। ओके, देखिए यहां पे हमें मिल गए रिलीजियस इंपोर्टेंस, और शायद हमारा यही क्वेश्चन कह रहा था रिलीजियस इंपोर्टेंस। तो यहां बोले कि ओलंपिक गेम डिड नॉट हैव रिलीजियस इंपोर्टेंस, अगर हमें ये ऐसा मिल जाता तो ये यस होगा, अगर अपोजिट मिलेगा कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो देखते हैं। द ओलंपिक वर द फंडामेंटल रिलीजियस इंपोर्टेंस कॉन्सेप्ट अल्टरनेटेड विद अ स्पेसिफिक, तो इसने बोला है द ओलंपिक्स वर ऑफ फंडामेंटल रिलीजियस इंपोर्टेंस, मीन्स उनकी रिलीजियस इंपोर्टेंस थी, ये बात करे थी, और यहां कह रहे कि नहीं थी। अगर हम क्वेश्चन के यहां पे देखें तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इंपोर्टेंस नहीं थी, और वहां बोले कि इंपोर्टेंस थी, तो इस कंडीशन में ये अपोजिट हो गया, तो इसीलिए इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा ओलंपियाड इज अ नेम गिवन टू विनर ऑफ एनी इवेंट इन ओलंपिक गेम्स। बात करें कि ओलंपियाड जो नेम है वो किसी विनर को किसी भी इवेंट में दिया जाता है। देखते हैं लोकेशन के अंदर क्या ऐसा ही है। सो ओलंपियाड हमें ढूंढना है, पहले इसी पेज पे ढूंढ लेते फिर देखते हैं किसी और पे। ओलंपियाड हमारा कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। दूसरा विनर हमारा कीवर्ड है, मेन है ओलंपियाड, तो हमें ओलंपियाड ढूंढना है। ओलंपियाड नहीं है ये भी, ओलंपियाड। सो हमें ओलंपियाड मिल गया, उसके बाद विनर की बात हो रही थी कि विनर को दिया जाता है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, हम ऊपर से पढ़ लेते हैं। द गेम्स वर हेल्ड एवरी फोर ईयर्स एंड पीरियड बिटवीन टू सेलिब्रेशन, दो सेलिब्रेशन के बीच का जो पीरियड है बिकेम नोन एज ओलंपियाड। ओ माई गॉड, अभी यहां पे तो ये बात कर रहे हैं कि जो दो पीरियड, मतलब जो दो पीरियड के बीच का समय है ओलंपिक का, उसको ओलंपियाड बोला जाता है। बट वहां पे जो बात कर रहे हैं कि ओलंपियाड जो है ना विनर जो होता है उसको बोला जाता है, तो इसलिए ये ओलंपियाड की तो बात है बट ओलंपियाड में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यहां तो विनर को नाम दिया जाता है बट वहां विनर को नाम नहीं दिया जाता, वहां दो गेम के बीच का जो पीरियड है उसको ओलंपियाड बोला जाता है, इसलिए हम इसका आंसर भी अपना नो करेंगे क्योंकि ये भी हमारा अपोजिट हो जाता है।
सो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा 10th और 11th, मैं दोनों के लिए बता देता हूँ, दोनों का आंसर नॉट गिवन है, तो इसलिए मैं इसमें टाइम आपका ज्यादा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इसमें अगर हम स्कीमिंग और स्कैनिंग करेंगे तो भी आपको इसका नॉट गिवन ही मिलेगा, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट और मैच नहीं होगी। तो ये चीज तो तभी आपको अच्छे समझ में आएगी जब आप खुद अपना रीडिंग करेंगे, इसलिए हम 12th करते हैं। सो 12 है हमारा, विनर्स वर अवॉर्डेड विद अ स्पेशल साइन, विनर्स को क्या है कि स्पेशल प्रतीक सेना चिन्ह से नवाजा जाता है, ये देखते हैं। तो हमारा जो कीवर्ड है वो स्पेशल साइन है, ढूंढते हैं कहां मिलेगा। चलो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सिक्वेंस में ही मिलते हैं, तो हो सकता है यहीं कहीं मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं, हो सकता है मिल जाए यहीं पे। साइन, द ओलिव ब्रांच इज अ साइन ऑफ पीस, ओके ठीक है। साइन वीनस, और देखते हैं विक्टर, विक्टर विनर होता है, ठीक है ओके। यहां से स्टार्ट करते हैं, अपॉन विनिंग द गेम्स द विक्टर वुड हैव नॉट ओनली प्रेस्टीज ऑफ बीइंग इन द फर्स्ट प्लेस, खाली उसको पहला स्थान नहीं दिया जाता, बट वुड ऑल्सो बी प्रेजेंटेड विद अ क्राउन ऑफ ऑलिव लीव्स, उसको जैतून का पत्ता दिया जाता है जो एक स्पेशल साइन होता है। तो इस कंडीशन में तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसका वो यहाँ पे यस है, तो इसलिए हम इसको यस करेंगे। अगर ऊपर ट्रू लिखा होता तो हम इसको ट्रू करते। चलिए एक दो कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। आगे अगर मैं देखूं, देखो मैंने बोला था ना कि आपको अगर यस है तो यस ही लिखना, वाई नहीं लिखना, बट देखो ट्रू नहीं लिखा, सिर्फ टी लिखा, तो इसलिए हम इस ट्रू को टी ही लिखेंगे, फॉल्स को एफ लिखेंगे, कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, और नॉट गिवन को हम एनजी ही लिखेंगे, पूरा नॉट गिवन नहीं लिखेंगे। चलो इसको समझने की कोशिश करते एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, सो पहला है, इंग्लैंड इज 66% ऑफ आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है ना वो 66% है ग्रेट ब्रिटेन के आइलैंड का। सो चलिए इसको लोकेशन में ढूंढते हैं और देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। ओके, सो यहां पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड इज यहां से, और देखते हैं कहीं मिल जाएगा आइलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। टू थर्ड का मतलब होता है 66%, सही है ये। सो टू थर्ड ऑफ द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड, सॉरी यूएसए पॉपुलेशन इन द, ठीक है। सो ये भी है यहाँ पे कि वो 66% है आइलैंड ऑफ ब्रिटेन का, तो इसलिए इसका आंसर हमारा जो है वो हम यहाँ पे ट्रू मार्क करेंगे। तो ट्रू नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ खाली टी लिखेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस चीज को। नेक्स्ट हमारा, द स्मॉलेस्ट अर्बन जोन इन यूरोप यूनियन इज लंदन, अब इसको अगर मैं बात बताऊं तो एडवांस में आपको बता देता हूं इसका आंसर नॉट गिवन है, इसलिए हम इस पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ये आप अपने आप करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम ऑफ मैनी कंट्रीज आर बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉज, मीन्स इंग्लैंड लॉज। सो इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा कीवर्ड है कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम ऑफ मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, बेसिस किसमें, इंग्लिश लॉ, मीन्स इंग्लैंड की मैं भी बात कर रहा था, तो ये है हमारा, तो इसलिए हम इसका जो आंसर है वो यहां पे ट्रू करेंगे। सो इसलिए हम टी यहां पे लिख देते हैं, ये आपको यहां पे नहीं लिखना, आपको फाइनल आंसर शीट के ऊपर लिखना है, कहीं आप ऐसे ही करें ये। सो नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड्स सॉलिडेट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वॉज गिवन इन लंडन, सो 16 का भी नोट गिवन है, इसलिए हम इसको भी नहीं ढूंढेंगे, ये जब आप अपने आप करेंगे तब आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट ही बात कर लेते हैं, 17, वेल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम ऑफ इंग्लैंड, वेल्स जो है वो किंगडम ऑफ इंग्लैंड में इंक्लूड नहीं था। चलो ढूंढते हैं लोकेशन के अंदर, ऐसा हमारा कीवर्ड है किंगडम ऑफ इंग्लैंड और वेल्स, ढूंढते हैं किंगडम ऑफ इंग्लैंड और वेल्स। किंगडम ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग वेल्स, देखिए ये बोल रहा है कि इंक्लूडिंग वेल्स, तो वेल्स उसमें था, और यहां पे बात कर रहा है कि नहीं था, इसलिए ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया आपका, और कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो हम इसको फॉल्स करेंगे, सो इसलिए हम इसका यहां पे लिख देंगे एफ, फॉल्स।
नेक्स्ट नेशंस फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इसका हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड मैंने कहीं पढ़ा था यहीं पे ही, मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लीगल इनोवेशंस हैड देयर ओन ओरिजिन इन इंग्लैंड, देयर ओन ओरिजिन इन इंग्लैंड हैव बीन वाइल्डली अडॉप्टेड बाय अदर नेशंस, बट वहां पे बात क्या कर रहा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यहां पे बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड फॉलोड बाय, सो ऐसा नहीं है वो अलग रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो डेवलप्ड नेशंस फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड की नहीं, वो अपने ओरिजिन की भी वहां पे बात हो रही है, तो इसलिए इसका जो हम आंसर करेंगे यहां पे वो करने वाले हैं फॉल्स। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि आपको कैसे करना, फिर भी एक और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और इजी से समझ में आ जाए। ये लास्ट है हमारा, अब इसमें देखिए टी एफ और एनजी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि जैसा दिया है उसी सेंस में आप उसका आंसर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ओके सो पहला है पिरामिड ऑफ गीजा इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स द वर्ल्ड, ठीक है, सो हमारे पास वर्ड है वन ऑफ द सेवन वंडर्स और पिरामिड ऑफ गीजा, सो अब इसको ढूंढने की हम कोशिश करते हैं लोकेशन के अंदर कि ये हमें कहां मिलता है, उसके बाद इसका हम आंसर जो है वो मार्क करेंगे। हमारे पास कीवर्ड है, अब कीवर्ड के ही उससे ढूंढेंगे पिरामिड ऑफ गीजा सबसे पहले। द पिरामिड ऑफ गीजा ये रहा, मिल गया, इज द लार्जेस्ट इजिप्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये सेवंथ वंडर तो नहीं हुआ, अभी देख लेते हैं आगे, हाँ इट इज वन ऑफ द सेवंथ वंडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, सो ये हमें लोकेशन में एज इट इज मिल रहा है, तो इसलिए हम इसका आंसर जो है वो यहाँ पे ट्रू कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम पूरा ट्रू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्रू ही आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरा ट्रू लिखने के लिए बोला गया है। ओके सो नेक्स्ट देखिए, देयर वाज ओनली सिंगल पिरामिड बिल्ट इन फ्रांस, खाली एक पिरामिड बिल्ट की ये बात कर रहे हैं, देखते हैं लोकेशन में, सो हमारे पास पिरामिड बिल्ट इन फ्रांस, फ्रांस की बात हो रही है, तो देखते हैं कहां पे हमें इसका आंसर मिलेगा। पिरामिड हमारे पास जो कीवर्ड है वो यही होने वाला है, फ्रांस, देर वर मैनी मोर पिरामिड्स बिल्ड इन फ्रांस इन द पीरियड, यहां देखो ज्यादा की बात कर रहा है और वहां एक की बात कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं इसका जो आंसर मार्क करूंगा वो यहां पे मार्क करने वाला हूं फॉल्स, तो मैं इसका आंसर जो करूंगा वो फॉल्स करने वाला क्योंकि इसका आंसर फॉल्स है। ओके नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा 30 है, पिरामिड्स ऑफ ग्रीस वर फर्स्टली एक्सकेवेटेड बाय द अमेरिकन्स एंड द जर्मन्स, एक्सकेवेटेड बाय द मीन्स खुदाई लाइक रिलेटेड होता है, ढूंढना लाइक, देखते हैं कहीं मिल जाता है, तो हमारे पास जो कीवर्ड है वो है अमेरिकन्स एंड जर्मन्स, ढूंढते हैं अमेरिकन एंड जर्मन्स की बात कहां की गई है, ओके मिल गया, ये तो हमें एग्जैक्ट ही मिल गया, अमेरिकन ब्रिटिश देवर फर्स्ट, ठीक है एग्जैक्ट है ये एज इट इज, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है वैसे ही बात की गई है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसका जो आंसर है वो आंसर हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रू। ओके नेक्स्ट की बात करें 31, तो 31 नॉट गिवन है इसलिए हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 32 भी नॉट गिवन है इसलिए इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए मैंने नॉट गिवन को इसलिए छोड़ा है क्योंकि नॉट गिवन का मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था सुनील वाला, वो एग्जांपल बिल्कुल सही है ये चीज आपको समझाने के लिए कि आपको नॉट गिवन कैसे करना है, ठीक है, तो उस एग्जांपल पे फोकस कीजिए और जब आप रीडिंग करेंगे तो एक्चुअल में आपको नॉट गिवन तभी समझ में आएगा। सो ध्यान रखिएगा यस और नो आपका सही होना चाहिए, नॉट गिवन की अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस से अपने आप आपका हो जाएगा। आप सोच के देखिए अगर 5 क्वेश्चन है तो उनमें मान के चलिए कि आपके अगर 2 नॉट गिवन है तो 3 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, और नॉट गिवन ऑलमोस्ट सही ही होता है, जब आपको लोकेशन नहीं मिलती है तो आप उसको नॉट गिवन ही मार्क करते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट
आपके फायदे के लिए लंबा वीडियो देखना भी कोई आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। सो प्रैक्टिस कीजिएगा रीडिंग की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होता जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स या फिर नॉट गिवन। फिर भी अगर रीडिंग को लेके कोई भी आपका डाउट है, यस नो नॉट गिवन या फिर किसी भी तरह का, सो आप कॉमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही रहेगा उसका आंसर भी मैं आपको करने वाला हूं। सो कीप डूइंग प्रैक्टिस और आप अपने सपने साकार कीजिए, विदेश जाने के, चाहे स्टडी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं। सो हैव अ नाइस टाइम।